अस्सलामुअलैकुम, आपका कोई भी टॉपिक है वो मिस हो गया है या आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके हम लोगों को उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। आपको इस चैनल पर आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा और लेक्चर्स जितने भी हैं वो आपको डिलीवर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मास्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मास्क, ब्लू मास्क की मस्जिद की तामीर किसने स्टार्ट कराई थी, शुरू कराई थी। आंसर इसका सुल्तान अहमद फर्स्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मास्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हुज द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड, आंसर इसका देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मास्क वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफा 1। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फॉर वट पर्पज डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर, एक बड़ी सी जंजीर लोहे की दरबार में दाखिल होने से पहले एक लटकी हुई थी, वो किस लिए लटकाई गई थी। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देता हूँ कि दरबार के दरवाजे पर एक बड़ी सी लोहे की चेन लटकी हुई थी, किस लिए वो लटकाई गई थी, इसका पर्पज़ क्या था, इसका मकसद क्या था। जब भी बादशाह या हुक्मरान उस दरवाजे से कोर्ट में दाखिल हों तो वो क्या करें, अपना सर झुका कर अंदर दाखिल हों। इसका आंसर देखते हैं, द चेन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट एंड एज सिंबॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वेयर इज रॉयल रूम सिचुएटेड, ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है लेसन में कि रॉयल रूम कहाँ वाके है। आंसर, द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ब्लू मास्क। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मास्क एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सुल्तान अहमद मास्क इज आल्सो नोन एज ब्लू मास्क, सुल्तान अहमद मास्क जो है मस्जिद जो है वो ब्लू मास्क क्यों जानी जाती है। द सुल्तान अहमद मास्क इज नोन एज ब्लू मास्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, क्योंकि मास्क के अंदरूनी हिस्से को ब्लू टाइल्स से सजाया गया है, इसलिए ये ब्लू मास्क के हवाले से ये मशहूर है, जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मास्क, मस्जिद का जो कारीगर था अंदर था वो कौन था। सद्दफहार महमद आगा वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मास्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज अ हैवी चेन आयरन एट द एंट्रेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मास्क लुक, जो अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद का वो कैसा दिखाई देता है। आंसर, द इंटीरियर ऑफ द मास्क इज डेकोरेटेड विद ब्लू टाइल्स एंड सो गेव एन अट्रैक्टिव लुक, एन अट्रैक्टिव लुक, दिलकश दिखाई देता है अंदरूनी हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पिटल वाज पार्ट ऑफ द मास्क, जो मदरसा आप क्यों सोचते हैं, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पिटल वाज पार्ट ऑफ द मास्क। आंसर है, आई थिंक द मदरसा वाज फॉर द स्टूडेंट्स हु केम टू लर्न इस्लामिक एजुकेशन एंड हॉस्पिटल वाज फॉर द नीडी एंड द डिस्टिट्यूट। ये मदरसा और मुसाफिर खाने की थोड़ी सी डिटेल यहाँ बताई गई है। मदरसा इसलिए था कि वहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स वहाँ दीनी इल्म हासिल करने के लिए
रहते थे, और दूसरा जो हस्पैस है वहाँ इन सराय वहाँ मुसाफिर खारा लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क सोफिया। आंसर इसका देखते हैं कि मस्जिद सोफिया किसने तामीर कराई। द मॉस्क सोफिया वाज कंस्ट्रक्टेड बाई एन उस्मान खलीफा। थोड़ी सी इसकी डिटेल नोट कर ले, इसका स्टार्ट जो क्या था वो था सुल्तान अहमद वन, और इसको कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीटेड बाई हिज सक्सेसर, उसके जानशीन कौन से थे, मुस्तफ़ा वन।